सो दिस इज द बीम बैलेंस, इसका यूज करेंगे हम स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि घर पे भी आप दुकान में जाएंगे तो बीम बैलेंस रहता है, आलू प्याज आटा चावल खरीदते हैं, यहाँ भी वही है बेसिकली, लेकिन ये लो वेट के लिए किया जाता है, जैसे कि 10 मिलीग्राम, जैसे ये देखेंगे तो ये ग्राम के लिए है, ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम, ये जाएंगे तो 2 ग्राम है, और मिलीग्राम में भी आपके वेट्स हैं, मिलीग्राम में आपके ये मिल जाएंगे, कहाँ जा रहे बाबू, ये सब मिलीग्राम में है। अब उस दुकान वाले पे जो बीम बैलेंस रहता है उसमें एक मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम नहीं होगा, और जो कॉस्टली सामान होता है जैसे सोना चांदी हो गया या केमिकल कंपाउंड हो गया, वो केजी में तो लेंगे नहीं आप ग्राम या मिलीग्राम में लेते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसमें मिलीग्राम से लेकर के ग्राम तक की रीडिंग आप ले सकते हैं, 100 मिलीग्राम टू 100 ग्राम। तो क्लियर, सबसे पहले देखना ये बाबू देखो ये जो है इसको बोलते हैं स्क्रू, बैलेंस स्क्रू बोलते हैं, ये घुमाएंगे तो घूमेगा, ये एडजस्ट करने के यूज किया जाता है, जैसे मान लो कि ऐसे कहीं सरफेस पर रख दिए जो कि प्लेन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि टेढ़ा ऐसे हो गया झुक के या ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ये स्क्रू यूज करते हैं, स्क्रू से आप घुमा फिरा के हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने से हमको पता कैसे चलेगा कि एडजस्ट हुआ था, देखेंगे कि ये पॉइंटर है तो एक इसका टिप और इसका टिप, एक ये टिप है ये टिप है, दोनों एकदम ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे हो गया तो बोलेंगे कि बैलेंस, अगर नहीं हुआ तो स्क्रू इधर उधर करके हम बैलेंस कर लेंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं हम पॉइंटर, क्या बोलते हैं पॉइंटर, ध्यान ये देना है कि अगर कोई सामान मेजरमेंट कर रहे हो तो इसका जो स्केल लगा हुआ है उधर उसका जीरो और इस पॉइंटर का होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, जैसे कि हम उठा रहे हैं अगर ऊपर देख रहे हो कि नहीं पॉइंटर भाग रहा है इधर है कि नहीं, यानी कि तराजू जैसे देखते हैं तो ऐसे हो जाता है कि तराजू की नहीं, एक तरफ वजन ज़्यादा रहता है तो नीचे है, जिस पर कम रहता हो ऊपर, वैसा ही हो गया, इधर क्या वजन ज़्यादा कम है, इधर क्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करना, हमने कुछ रखा नहीं है तो इसको ऐसे होना चाहिए हमेशा ना, तो हमको बैलेंस करने के लिए हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग स्क्रू, ये जो है इसको हम एडजस्ट करके पहले इसको नीचे रख देना है कि गिरेगा नहीं, और इसको बैलेंस करना है, देखिए हम उठा रहे थे बाबू तो देख रहे हैं कि इधर वजन कम है इधर वजन ज़्यादा, तभी तो पॉइंटर ऐसे हो रहा है एकदम, जो घर पे दुकान में बीम बैलेंस होता है या घर पे देखते हैं कि नहीं, जिधर वजन ज़्यादा रहेगा वो नीचे, जिधर कम रहता हो ऊपर, वैसे ही हो रहा है, ये ऊपर आ रही है नीचे, यानी इधर वजन कम इधर वजन ज़्यादा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वजन क्या रखेंगे, रखना शुरू करेंगे कि ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, और एक बार बराबर आ जाएगा तो पॉइंटर का हो जाएगा बाबू यहाँ हो जाएगा, फिजिक्स के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, यानी कि हमने कुछ सामान भी नहीं रखा और रीडिंग ये देना शुरू कर दिया, तो जीरो एरर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हमको कुछ रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों नॉब को यूज़ करते हैं, इससे एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये जैसे जैसे इधर जाएगा ना बाबू, इधर वेट बढ़ना शुरू होगा, ये जैसे जैसे इधर जाएगा वेट बढ़ना शुरू होगा, अब इसको वेट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को खोलना शुरू करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे, ठीक है, इधर वेट बढ़ाना है, इधर वेट को कम करना है, तो इसको और पास में लेके आना, इधर शुरू करेंगे, देख रहे हो कि नहीं, देखना इधर, ये जब स्क्रू इधर जाएगा तो वेट इधर कम होगा, इधर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, इसके केस में भी होगा, अगर ये स्क्रू इधर जाएगा तो इस पर वेट कम होगा, इधर जाएगा तो वेट ज़्यादा होगा, अब देखते हैं एक बार, अभी भी वजन है इसमें, तो अब क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा जैसे कि गांव में जाते हैं या घर पर दुकान पे, तो जब ऐसे रहता है तराजू बिना कोई सामान रखे ऐसे रीडिंग देता था, वो क्या करता है 100 ग्राम 50 ग्राम रख के पहले बैलेंस करता है कि नहीं, तो हम भी वैसे ही बैलेंस करेंगे, हम इसको रखेंगे थोड़ा सा इस पर ऐसे है ना, रख के बैलेंस करेंगे इसको, देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हो बाबू हो रहा ना बैलेंस, पॉइंटर इधर रहना शुरू किया, लेकिन इसको अब तरीके से थोड़ा सा रोक देना है कि यहाँ पर रुक जाए, इसको देख रहे हो बैलेंस हो गया कि नहीं एकदम लमसम, ठीक है ना, देख रहे हो पॉइंटर एकदम जीरो पे, ये जीरो पर टच कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है लेकिन जीरो पर टच कर रहा है कि नहीं, यानी अब बैलेंस हो गया, यानी कि अब एकदम कैसे हो गया अपना बीम बैलेंस ऐसे हो गया, अब हमको मान लो कि 10 ग्राम कोई केमिकल कंपाउंड लेना है, तो 10 ग्राम यहाँ से कोई वेइंग मशीन से ये वेट, इसको वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू वेट, जैसे घर पे बटखरा बोलते हैं अपने हिंदी में, बटखरा बोलते हैं या वजन करने के लिए 1 kg 2 kg 3 kg बटखरा अपने यहाँ यूज किया जाता है, अंग्रेजी में उसको वेट बोलेंगे, तो ये वेट है, ये है बाबू आपका 10 ग्राम है, क्या है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इधर हम रख देंगे, क्या करेंगे ध्यान देना है, कुछ भी रखना उखना है तो इसको नीचे कर देना है कि ये सेटल हो जाए, अब उसके बाद हमने 10 ग्राम यहाँ रख दिया, उसके बाद एक पेपर लेंगे, पेपर दो बाबू, यही मिला था, अरे लाल बाबू यही मिला था, इस पे हम
ऐसे इसलिए मैं यहाँ भी पाउडर ऐसे रख सकते थे, लेकिन हो सकता है कि इस पर रखेंगे तो मान लीजिए बाबू केमिकल रिएक्शन हो जाए, फिर उसमें क्रोजन हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए हम पेपर पर रखेंगे। पेपर छोटा सा रख लेंगे इस पर और पाउडर रखेंगे इस पर। इसको खोल सकते हैं विंडोज़ को और यहाँ से रखना रखिए, सबसे बेटर रहेगा ये यहाँ पर। अब उसके बाद हम केमिकल कंपाउंड, जैसे ये केमिकल कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, तो हमको किसी एक्सपेरिमेंट में 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है, तो हम यहाँ से रखना शुरू अब करेंगे। बट बाबू किस रखो, तुम ही रखो, तरीके से रखना, हाँ तरीके से, तुम्हें भी आना था ना कैमरा में, रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रखो रखो 10 ग्राम। अब इसको उठा देता हूँ मैं ऊपर, हाँ देखो अभी अभी वजन इधर ज़्यादा, इधर रखो, बैलेंस करना है पॉइंटर को, देख रहे हो पॉइंटर इधर आ गया, इधर वजन कम, रखो रखो, रखते जाओगे लेवल हो जाएगा। रखो रखो, आराम से, कोई नहीं, होगा एकदम से हो जाएगा, देखना बहुत सेंसिटिव होता है। करो करो, आएगा आएगा आएगा, हाँ हाँ आराम से किस ज़्यादा हो गया, उठाओ वजन ज़्यादा हो गया, धीरे थोड़ा निकालना है, बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा थोड़ा आराम से रुको रुको, देखो तो हाँ थोड़ा सा और रखो, थोड़ा सा हल्का गिरा, हल्का गिरा, रुको 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 रुको, थोड़ा सा रखो, हल्का सा गिराना, बस, थोड़ा सा और निकालो, थोड़ा सा हल्का निकालो, हल्का थोड़ा सा, आराम से हिला, हाँ बहुत सहारा से हमारा समझा, आई थिंक हो गया है, हाँ तो ये आपका 10 ग्राम केमिकल कंपाउंड हो गया, आप कोई भी रिएक्शन में आप यूज कर सकते हैं। देखो बाबू अगर ये एडजस्ट है तो रीडिंग लेना बहुत आसान है कि नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है एडजस्ट करने में, बहुत लोग को एडजस्ट करना नहीं आता, जैसे एडजस्ट था तो कर लिया, इसको हम ख़राब कर सकते हैं, मतलब कि आप जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने तो बाहर एग्जामिनर जब आपको देगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो सब हटा देगा, ये भी निकाल कर रख देगा, ये भी निकाल कर रख देगा, ये कान का झुमका ही निकाल कर रख देगा, ये झुमका है लड़कियों, ये इसमें करेला थोड़ा लटका दो और फिर कान में डाल दो, ये भी निकाल दे, पूरी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, ये भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस ना, ये भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा सर, ये नहीं निकलेगा, लेकिन ये जस्ट मान लो कि इसे गिरा दिया है, ऐसे ही गिरा दिया है और सारा ये बिखरा हुआ है, मान लीजिए तो उठाएगा बिखर जाएगा, ऐसे बिखरा हुआ है, और आपको बोल दिया जाएगा कि आप वजन करिएगा, ये केमिकल है 10 ग्राम केमिकल कंपाउंड, आप इसे वे करके हमको दीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको एडजस्ट करना सीखना है, वही मेन काम है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, पहले क्या करें कि इसको उठाइए और ये देखिए इसको यहाँ रखिए बिल्कुल मिडिल में, देख रहे हो बाबू एकदम मिडिल में रखना है, ऐसे रखना है कि इसको नीचे करके उसके बाद कि इसका जीरो, ये पॉइंटर जो है जीरो पे मिले, ऐसा रखना इसको, ठीक है, हो गया बाबू। उसके बाद ये उठाना है, ये वाला इसको ऐसे, ये वाला जो साइड है हुक बोलते हैं इसको, ये इधर होना चाहिए, तभी तो ये लगाएंगे ऐसे, है ना, हुक को हमेशा ऐसे रखिए, तो इसको यहाँ डालिए अंदर, पहले अंदर डाल दीजिए इसको ऐसे, उसके बाद इन दोनों पर आपको इसको वो करना है सपोर्ट, हाँ देखिए ऐसे, ये मेन है काम आपका एडजस्ट करना, इसको यही सीखना है ना, जैसा टाइम देगा हो जाएगा, ना।
थोड़ा सही है ना, इधर हो गया। यहाँ देखो ना एक होल बना हुआ है, इसके होल में ठीक चला जाएगा तो सही होगा ना। ये आपसे वहाँ एक होल बना हुआ है उसमें डाल देंगे इसको, एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको हम रखेंगे इसको ऐसे, पहले अंदर डाल लो उसके बाद इसे। हो गया बाबू, देख रहे हो। उसके बाद फिर इसको भी उठा के वैसे ही एडजस्ट करेंगे इसको ऐसे ऐसे, ये वाला इधर बाहर रहना चाहिए और ये ऐसे डालेंगे एकदम तरीके, ज़बरदस्ती नहीं करना, रुक जाएगा ऐसे ही। फिर इसको उठाइए, इसमें टांग दीजिए, इसको पैन बोलते हैं है ना, और इसमें इसको टांग दीजिए है ना। उसके बाद ये अभी काम नहीं करेगा, काम करने के लिए इसको ऊपर उठाना पड़ता है, जैसे उठाए क्योंकि सारा सपोर्ट छोड़ाएंगे हम अभी। क्या देखो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगाया तो ऊपर उठाएंगे ना, तो ये जो है अंदर अंदर ऊपर उठाएगा, यहाँ से देखो उठ रहा है कि नहीं है, तो सपोर्ट छोड़ाना है। जैसे ही सपोर्ट छोड़ाएंगे तो देखना है कि जैसे ही ऊपर जाए तो ये एकदम ऐसे होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना, ये ऊपर उठा हुआ है ये नीचे, तो इसको इसको गायब करना है, इसको जीरो एरर बोलते हैं। पहले इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जिधर मास ज़्यादा वो नीचे है, जिधर मास कम ऊपर है, इधर मास कम ये ऊपर है, इधर मास ज़्यादा ये नीचे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इससे एडजस्ट करेंगे, इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो इधर ये स्क्रू इधर जाएगा तो इधर मास बढ़ेगा, इधर जाएगा तो मास घटेगा, ये स्क्रू इधर जाएगा तो मास बढ़ेगा, अब इधर जाएगा तो घटेगा। तो पहले से एरर है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ रख के, जैसे दुकानदार भी रखता है कि नहीं, तो हम वही काम करेंगे जो रखे थे हम ऐसे ऐसे इसको रख के, और कहाँ गए बाबू बाकी का, गिर गया उसमें, और रखेंगे है ना, छोटा वाला दे दो ना नीचे, ये वाला रखो, ज़्यादा हो गया हाँ, और गिरा था कुछ निकल, हाँ ये सब दे दो, ये सब रख के हम इसको बैलेंस करेंगे। आराम से, कोई कोई वो नहीं है, तरीके से हैंडल करेंगे हो जाएगा। ये देख रहे हो बाबू, थोड़ा सा मास इधर ज़्यादा हो गया, अब इधर ज़्यादा हो गया, इधर थोड़ा सा मास, तो ये निकाल लेंगे इसमें से, ये वाला तो थोड़ा सा हो गया, इधर मास थोड़ा सा ज़्यादा है, कहाँ गया उसको, बड़ा वाला निकाल दें। अभी आपको सीखना पड़ेगा कर कर के, करेंगे तभी होगा एडजस्ट करना। इसे एक बार ये एडजस्ट कर लेंगे, फिर रीडिंग लेते रहिए आप, कभी भी रीडिंग लेने के पहले आपको ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर वजन कम हो गया, कम हो गया इधर ना, कोई नहीं हो जाएगा। और कोई नहीं है, अब पाउडर भी थोड़ा बहुत रख के, पेपर ऊपर का भी गांठ बना के रख के देख लीजिए है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है तो आप हवा हवा से भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, तो इसको पूरा डोर लॉक किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आई थिंक हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा हवा की वजह से हिल रहा है ना। उसके बाद अगर कोई भी रीडिंग लेने से 10 ग्राम डालना है तो इसको नीचे रख के 10 ग्राम पर रख दो, और फिर इसको उठाओ, और देख रहे हैं ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। अब क्या रखेंगे, वही पेपर रखेंगे जैसे किया था, ये वाला ऐसे रख देंगे एकदम आपको एज ए रीडिंग। अभी थोड़ा सा और रखो किसान, उतारो ज़्यादा हो गया, हाँ रखो इस पर थोड़ा सा और रखो, तो आपको रीडिंग मिल जाएगा है ना, ठीक है कर लेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, और चलो बाबू तो क्लियर कर लोगे इन लोगों का।